Jungle. कांदिवली में धड़क कामगार यूनियन कार्यालय का धूमधाम के साथ उद्घाटन। सांसद गोपाल शेट्टी, धड़क कामगार यूनियन महासचिव अभिजीत राणे, विधायक अतुल भातखलकर की प्रमुख उपस्थिति। कामगारों के हक की लड़ाई लड़ने वाली सबसे तेज तर्रार संगठना धड़क कामगार यूनियन का मुंबई के कांदिवली पूर्व में जनसंपर्क कार्यालय का उद्घाटन धूमधाम के साथ सम्पन्न हुआ। इस उद्घाटन का सांसद गोपाल शेट्टी, धड़क कामगार यूनियन के महासचिव अभिजीत राणे, विधायक अतुल भातखलकर के हाथों सम्पन्न हुआ। धड़क कामगार यूनियन के प्रवक्ता और मुंबई उपाध्यक्ष महेश गुप्ता के नेतृत्व में इसी विभाग में इस कार्यालय की रूपरेखा बनाई गई। उत्तर मुंबई जिला उपाध्यक्ष श्याम राजभर तथा कांदिवली पूर्व विधानसभा के संयुक्त सचिव रामधनी जायसवाल ने मिलकर कामगारों के हक के लिए अभिजीत राणे के मार्गदर्शन में कार्यालय का उद्घाटन किया। उत्तर मुंबई जिला के अंतर्गत आने वाले सभी पदाधिकारियों के लिए कार्यालय खोला गया है। सांसद गोपाल शेट्टी ने अपनी शुभकामनाएं दी इस नई टीम को दी और कहा कि जिस प्रकार धड़क का जनाधार बढ़ रहा है, निश्चित ही आने वाले समय में यह एक विशाल रूप लेगा। कार्यक्रम के उद्घाटक अभिजीत राणे ने कहा कि धड़क के इस लंबे कारवां में एक और मजबूत कड़ी जुड़ी है। निश्चित ही यूनियन कामगारों के हक के लिए अपने ढंग से लड़ाई लड़ रही है और आगे भी लड़ती रहेगी। साथ ही सांसद गोपाल शेट्टी का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि समाज के लिए जगने वाले ऐसे नेताओं की कमी है जो अपना पूरा समय जनता के हित के लिए व्यतीत करते हैं। भाजपा विधायक अतुल भातखलकर ने धड़क कामगार यूनियन की प्रशंसा की और कांदिवली की नवनिर्वाचित टीम को शुभकामनाएं दी। ब्यूरो रिपोर्ट, मुंबई। लगता है धड़क कामगार यूनियन के माध्यम से छोटे छोटे लोगों को न्याय देने का प्रयास हमारे सभी अभिजीत राणे और उनके सभी सहकारी करते हैं और ऐसे समय पर कांदिवलीपुर में फिर एक बार एक कार्यालय का उद्घाटन होना ये मेरे लिए खुशी की बात है, क्योंकि मैं बहुत ही छोटे स्तर से ऊपर आया हूँ तो ऐसा छोटे छोटे जगह पर जब कार्यालय खुलता है तो मुझे खुशी होती है, क्योंकि बड़े कार्यालय में तो कभी कभी छोटे लोग जाने से भी डरते हैं, इसलिए छोटे लोगों को छोटा कार्यालय हो तो फिर घुस जाते हैं, लगता है अपना ही है, आते हैं, मिलते हैं, बातचीत करते हैं, तो उसमें से रास्ता निकलता है और फिर कोई भी व्यक्ति छोटे से ही बड़ा होता है। अभिजीत का गोरेगांव का ऑफिस इतना बड़ा हुआ, अच्छा लगता है। चले, आपने छोटे कार्यकर्ता की बात किया तो श्री श्याम राजभर भी बीजेपी के छोटे से सिपाही के लिए क्या करना? नहीं, श्याम राजभर बहुत सालों से यहाँ पर हमारे आशीष गुप्ता जी और इनके साथ में मिलकर काम करते रहते थे और कर्मठ कार्यकर्ता है, लोगों के सुख दुख में दौड़कर जाने वाला कार्यकर्ता, और मैं मानता हूँ कि जो श्रम करने वाले कामगार क्षेत्र के लोग हैं उनको ऐसे ही कार्यकर्ताओं की आवश्यकता होती है। कामगारों की क्या बड़ी समस्या आपको नजर आती है? देखिए, कामगारों का तो कामगार है वो, यही उसकी बड़ी समस्या है। कामगार वो है, यही उसकी बड़ी समस्या है और इस समस्या से उसको ऊपर लाने की आवश्यकता है। मैं इस बात का दावा नहीं करता हूँ कि मेरी सरकार आने के बाद में सारी समस्याएं खत्म हो गई, लेकिन हम प्रयास कर रहे हैं और हमें इस बात का दुख है कि कामगारों को तेजी से ऊपर लाने की आवश्यकता है, लेकिन देश में इतने सारे समस्याएं एक साथ में खड़ी हो गई है तो उसमें सारे समस्याओं में से रास्ता निकालना, और कभी कभी ये होता है कि बहुत बड़े शक्तिवान संगठन के लोग होते तो उनके कामकाज के ऊपर ध्यान भी दिया जाता है, लेकिन छोटे छोटे लोगों के ऊपर जितना ध्यान देना चाहिए उतना दिया नहीं जाता है कभी कभी, लेकिन मैं मानता हूँ कि है थोड़ी परेशानी है, तकलीफ है, लेकिन उसमें से रास्ता निकल कर हमको आगे जाना होगा और हम जाएंगे सबको साथ में लेकर। राणे साहब, क्या कहना चाहेंगे जिस प्रकार से धड़क कामगार यूनियन पूरे मुंबई में विस्तार कर रहा है, क्या कहना चाहेंगे? जगह जगह कार्यालय ओपनिंग की जा रही है, भारी संख्या में लोग जुड़ रहे हैं। निश्चित तौर पर आज कांदिवली स्टेशन पर हमारा ये कार्यालय धड़क कामगार यूनियन का कार्यालय और यहाँ के क्षेत्र के लोकप्रिय नेता सन्मान्य गोपाल शेट्टी जी के हाथों से यहाँ पर उद्घाटन किया गया। अपन कामगार क्षेत्रामध्ये काम करत असताना खूप संघर्षमय लड़ाई असते आणि त्याकरता आपल्याला सत्तेमध्ये असलेल्या लोकांची कायम गरज लागते, गरज भासत असते, कारण आपला आवाज सत्तेपर्यंत पोहोचवणं आणि पोहोचवण्याकरता कुठेतरी एक माध्यम लागतो आणि गोपाळ शेट्टी जी कायमच संघर्षमय, त्यांची देखील लढाई संघर्षमय लढाई राहिलेली आहे आपण बघतोय, आणि मला विश्वास आहे की जयस्वाल जी आणि त्यांच्याबरोबर असलेली नवीन टीम आणि माझ्याबरोबर काम करत असलेले अरुण गुप्ता आणि महेश गुप्ता
हे दोघंही फार चांगल्या पद्धतीने मुंबईचं या पर्टिक्युलर या भागाचं काम करत आहेत. रिक्षा टॅक्सीमध्ये रिक्षा चालक आणि टॅक्सी चालकांची जवळपास आमची या प्रभागाची संख्या जवळपास 4000 अधिक आहे. त्यामुळे निश्चितपणे या कार्यालयाचा आम्हाला खूप चांगला फायदा होईल. आणि खास करून गोपाळ शेट्टींचे विशेष आभार मानतो की त्यांनी आज आपल्या युनियनच्या ऑफिसला येऊन भेट दिली आणि त्यांनी आज या कार्यालयाचं उद्घाटन केलं. त्यामुळे युनियनचा जनरल सेक्रेटरी म्हणून मी त्यांचे देखील आभार मानतो. आणि खास करून जयस्वालजी आणि राजभरजी यांना खूप खूप शुभेच्छा. आपल्याबरोबर असलेले 7.5 लाख कामगार आणि जवळपास 1700 अधिक संघटित असंघटित क्षेत्रांमध्ये कार्यरत असणारी धडक कामगार युनियन आज तुमच्याबरोबर पूर्णपणे ताकदीने मागे राहील. आणि तुम्ही खूप चांगल्या पद्धतीने काम कराल असे आशीर्वाद देऊन तुमच्या सगळ्यांची रजा घेतो. जय हिंद. हम तो भाजप से संघ से जुटे हुए हैं. बचपन ही हम संघ से RSS संघ से और पार्टी से जुटे हुए और काम करने का इच्छा हमारी पार्टी से कायम रहेगा. हम देखा कि इन्होंने कामगार नाम सुना साहब का कि अच्छे काम है. हम सोचे कि कुछ इस टीम में जुट के अच्छे काम भी कर सकूँ. इस हौसला को लेकर इस धड़क कामगार यूनियन में घुसा हूँ कि लोगों का मुझे भी कुछ परेशानियाँ होगा कुछ ऐसा आए तो साहब के पास मैं पहुँचूँ कि साहब यह यूनियन के लोगों को यह तकलीफ है उनकी समस्या दूर हो. यह सोच के मैं जवाबदारी लेके कि यार तैयार हुआ हूँ उसको मैं सही दिल से चाह रहा हूँ कि मैं निभाऊँगा और जहाँ तक कोशिश रहेगा वहाँ तक सारी टीम को लेकर मैं रहूँगा. मैं ये चाहूँगा कि साहब हमारे यहाँ पे उपलब्ध हुए बहुत बढ़िया मौका पूनम के दिन हमारे यहाँ पे पैर रखे. हम चाह रहे कि ये चीज़ बहुत शुभ काम के दिन हमें उनका दर्शन मार्गदर्शन हमें मिला है. और बाहर से फ्लाइट से होते हुए सबसे पहले जो कि न समय किसी को न देते पहले हमारे यहाँ पे आए हैं इसके लिए मैं आभार मानूंगा.